सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक स्लॉट लिस्ट हमारे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वाली प्लेलिस्ट के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे फोटोशॉप में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1920x1080p का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, और ये जो मेन हेडिंग है ये मैंने हमारी लोगोज़ वाली वीडियो में बनाया हुआ है। तो अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी है कि आप पूरा टूर्नामेंट का वर्क कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको इधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप हर एक वीडियो देख सकते हो। इवन की टूर्नामेंट लोगो ये कैसे बनाया है, इवन इसकी सबकी PSD एंड पोस्टर वगैरह सब कुछ है उसमें। ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं स्लॉट लिस्ट, इसलिए सबसे पहले मैं इधर स्लॉट लिस्ट लिख देता हूँ। पहला काम यही करते हैं, स्लॉट लिस्ट डन। और इस पूरे ग्रुप को मैं कर देता हूँ लॉक, और इसका हम पहले बैकग्राउंड भी बना देते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, जैसे हमने हमारे पॉइंट टेबल का रखा था, सेम ही बैकग्राउंड होगा। ओके, ऐसे कुछ सिलेक्शन लेके ओके। तो मैंने इतनी सिलेक्शन बना ली, अभी इस पर मैं ऑल्ट प्लस डिलीट करके प्राइमरी कलर हमारा वाइट है वो फिल कर दूंगा, और सॉरी फिल्टर में जाके लिक्विफाई पे क्लिक करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके और इसकी ब्रश का साइज कम करके और ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ इफेक्ट देना है। ओके, और फिल को कर देंगे या ओपेसिटी 7। ओके, और अभी आते हैं स्लॉट लिस्ट में, रेक्टेंगल टूल लेंगे। पहले क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ से गाइड्स ले लेते हैं सेंटर में ताकि आइडिया रहे। ओके, 8 या 9 रोज़ की हम स्लॉट लिस्ट बनाएंगे, मतलब एक साइड में, सो दूसरी साइड में 9, एक साइड में 9। ओके, इतना ठीक है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इट्स अप टू यू। इतना करके थोड़ा सा मैं इसको करूँगा ये एजेस को स्मूथ, स्फेरिकल टाइप, राउंड भी बोल सकते हैं जिसको, राउंड करूँगा। ओके, और फिल बिल्कुल कम, डबल क्लिक ब्लेंडिंग मोड, और यहाँ से ग्रेडियंट लेंगे, ब्लैक कलर का ग्रेडियंट लेना है हमने। इसकी ओपेसिटी कम और 180 ताकि ये लेफ्ट में रहे। अभी इधर से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला हमारा येलोइश टाइप जो भी है, और स्केलिंग करके थोड़ा सा ड्रैग ताकि ज़्यादा दिखे ना, ऐसा कुछ इफेक्ट आना चाहिए। ओके, और स्ट्रोक में जाएंगे, यहाँ पर भी ग्रेडियंट लेना है, यहाँ पर ग्रेडियंट हम लेंगे वाइट, तो वाइट के लिए ये सेलेक्ट 180 डिग्री, रिवर्स। ओके, और इसको मैं अगर ओवरले करूँ तो नो, इनसाइड है ना, आउटसाइड करते हैं। ओके, नॉर्मल, तो एक रो हमारी ऐसी कुछ बन गई है। ठीक है, इसको मैं ग्रुप में लेता हूँ और इसके सेंटर में हम रखते हैं यहाँ पे एक ऐसी सिलेक्शन, और इसका कलर ब्लैक, थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आते हैं, यस, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, फिल कम, बस इतना हो गया। ये जो एजेस मैंने राउंड किए हैं, आप चाहो तो कॉर्नर वाले भी कर सकते हो विदाउट राउंड, इट्स अप टू यू, जैसे भी आपने करना है। और इस पे सिलेक्शन लेके सिलेक्शन को थोड़ा सा आगे, सेम मैं कलर उठाऊंगा ये वाला, सिलेक्शन में फिल करेंगे और यहीं से सेलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके और इस लेयर पे क्लिक करके हम करेंगे डिलीट ताकि ऐसे इफेक्ट आए। ओके, थोड़ा सा इसको आगे इतना, और इसका साइज विड्थ छोटी कर देते हैं, सॉरी, एम क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन मूव होगी।
ऐसा कुछ छोटा सा इफेक्ट आना चाहिए। ओके, तो ये हमारी वही एक रो हो गई। इसको करते हैं कंट्रोल जे कंट्रोल ई, इसको डिजेबल। यहाँ पे आप आके रो को चेंज कर सकते हो। इस पे ये कॉलम है। ओके, ये एक हमने कॉलम पूरी बना दी है। और कंट्रोल जे, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कितना डिफरेंस होना चाहिए। राइट, इतना ठीक है। सेम ओके, तो इतना हमने कर लिया रो। और इसको कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करके भी अगर आपने जैसे ये इसकी ओपेसिटी थोड़ा बढ़ गई है कंपेयर टू दिस, तो ये भी रख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैं इसको कॉपी करूँगा और कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ऐसे कुछ रख दूँगा। ठीक है, इसके सामने तो ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। या तो आप ऐसे ही कर लो या फिर आप सिंपल जैसा ये है ऐसे कर सकते हो। बट ऐसे ही ना फ्लो सा अलग सा लेयर टाइप सा आ रहा है, वो इफेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे कर सकते हो। ओके, इसको भी कंट्रोल जे कर लेते हैं ताकि सेम हो जाए कलर्स। ग्रुप टेबल और ये जो अभी सेंटर में नहीं है तो गाइड से सेंटर में कर देते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे स्लॉट। इतना हो गया। अभी नीचे अगर आपको सोशल्स डालने हैं आपकी और के या कुछ भी, वो डाल सकते हो। और यहाँ पर आप डाल सकते हो जो भी ग्रुप नेम वगैरह होगा जिसकी स्लॉट लिस्ट है वो। और अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए नंबरिंग एंड ऑल। ओके, तो मैंने सभी में इधर फिल कर दिया है नंबरिंग्स एंड ऑल। और टीम नेम और टीम की ये पूरे रो को मैंने थोड़ा लेफ्ट किया है, इधर से भी थोड़ा सा राइट किया है ताकि हमारा जो कलर है ना टेक्स्ट का वो ब्लैक है। तो अगर हम ज़्यादा राइट में करेंगे तो ये इसमें मिक्सअप होके दिखेगा नहीं अच्छे से टेक्स्ट। ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट का ग्रुप। ओके, थोड़ा सा इन दोनों को हम कर देते हैं ऊपर थोड़ा सा बस। ओके, अभी इसके ऊपर लेयर आप चाहो तो ये जो चीज़ है ना इधर, अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखना लाइक ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा वरना कंजस्टेड टाइप। अगर आपको ग्रुप लाइक ग्रुप का नेम वगैरह कुछ भी इधर नहीं लिखना तो आप इधर रख सकते हो। राइट, जैसे सेलेक्शन लेके सेंटर में है ना, कंट्रोल एच हाइड कर देता हूँ एक मिनट के लिए। ग्रुप 22 और ब्लैक कलर। ओके, दोबारा सेलेक्ट करके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि ये सीधे हो जाएंगे लाइक एक लाइन में। और फिर हम इधर आएंगे। ओके, ये जो ग्रुप 22 है ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो एक मिनट के लिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं। अगर आप में ज़्यादा ग्रुप है जो डबल डिजिट में आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऐसे रख के इसको कॉपी। राइट, और जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा दिखा देता हूँ एक मिनट। ये पूरा डिलीट और ये आ जाएगा नीचे। राइट, ऐसा ग्रुप 22 इसको सेंटर में कर देंगे। ओके, तो अभी के लिए हम ऐसे रख देते हैं इसके सेंटर में थोड़ा सा गाइड। टेबल का सेंटर होना ज़रूरी है। ऑल राइट, ये टेबल का सेंटर है। और ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना टेबल से, ज़्यादा नहीं करना इसको, इतना
कट कर देते हैं और इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके हम देंगे इसको बेवल, ये सारी सेटिंग्स है। ओके, डेप्थ आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो और इसमें मैं करूँगा ब्लैक और इसको करूँगा 180, नहीं इसको हम 90 रखेंगे, 180 बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके देख रहा हूँ क्योंकि हमने ब्लैक का कलर ज़्यादा नहीं रखना, राइट 15 और ओपेसिटी ब्लैक की इतना। बस ये भी ठीक है, डाउन में भी करोगे तो यहाँ पर आएगा सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, तो इतना हो गया। यहाँ पर अगर आपने कुछ और लिखना है जैसे ग्रुप वर्सेस ग्रुप टीम्स हैं तो आप वैसे ही बना सकते हो कि 9 टीम्स या 8 टीम्स, इधर 9 टीम्स, इधर आप लिख दो ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 3, तो ऐसा भी कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। ओके, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ ये दोनों लेयर्स को PSD में। ओके, और अभी हम लगाते हैं हमारा लोगो, लोगो और सोशल्स। ओके, सो ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक यू, बाय बाय।